आज हम कैसे बनाएं ये कठिन वाक्य, इन वाक्यों को कैसे बनाया जाए, ये कुछ शब्द ऐसे बताए गए बताए हैं मैंने कि जिससे इन वाक्यों को आप आसानी से बना सकते हैं। हार्डली या स्कैर्सली के साथ वैन का प्रयोग करके ये वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचाई था कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। ही हैड स्कैर्सली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। प्लेटफार्म में ध्यान देने योग्य बात, ही हैड स्कैर्सली या हार्डली, हम स्कैर्सली का अर्थ जानना चाहेंगे तो जानना यह है कि स्कैर्सली का अर्थ क्या होता है। स्कैर्सली का अर्थ होता है मुश्किल से, और हार्डली का अर्थ भी होता है मुश्किल से। तो हार्डली और स्कैर्सली इन सेंटेंसेज में प्रयोग किए जाते हैं, और उसके बाद इन सेंटेंसेज में वैन का प्रयोग किया जाता है। डेट का प्रयोग कभी नहीं होता, वैन का प्रयोग किया जाता है, और वैन का अर्थ यहां पर है कि देखें, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। ही हैड स्कैर्सली या हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। दूसरे प्रकार से कैसे बनाया जा सकता है ये सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुने। ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। दोनों सेंटेंसेस में फर्क सिर्फ एक है, और वो है स्कैर्सली या हार्डली। इसमें स्कैर्सली का यूज किया गया है, इसमें हार्डली का यूज किया गया है, और दोनों का अर्थ है मुश्किल से ही। तो ये दोनों में अंतर है, इसमें कभी भी वैन के स्थान पर और दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दैट है तो दैट का प्रयोग नहीं होगा। अब देखें, ज्यों ही त्यों ही, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेंगे, ज्यों ही त्यों ही। तो देखें, एज सून एज लगाकर या नो सूनर देन लगाकर हम इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा, त्यों ही रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। लगभग ऊपर वाले का अर्थ और इसका अर्थ एक ही है, लेकिन देखिए प्रयोग है एज सून एज का, नो सूनर देन, ज्यों ही त्यों ही। सेंटेंस पर ध्यान दें, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा, त्यों ही रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। अब इसमें त्यों ही का में क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कभी उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। जैसे एज सून एज ही रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा, त्यों ही रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। त्यों ही की अंग्रेजी में देन आता है, दूसरे सेंटेंस में आएगा, इसमें आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ त्यों ही के स्थान पर कॉमा लगेगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। और ध्यान रखना कि देन की स्पेलिंग होगी TH A N, TH E N नहीं। नो सूनर इसका दूसरा सेंटेंस जिसका अर्थ एक ही है, नो सूनर डिड ही रीच। अब इसमें एक बात पर और ध्यान दें कि इसमें डिड का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नो लगा हुआ। डिड ही रीच फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड में के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वाक्य में नहीं आ सकती। रीच, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, अब यहां देन लगेगा, क्यों ही की अंग्रेजी आएगी THEN देन, THEN से पहले कॉमा नहीं लगेगा। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी। जस्ट एज का प्रयोग किस समय होगा, जब ठीक उस समय का प्रयोग हो, जैसे ठीक उस समय जब, अब सेंटेंस देखें, जस्ट एज का प्रयोग हुआ इसमें, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से ठीक उस समय चल दी जब वह स्टेशन पर पहुंचा ही था। जस्ट एज ही रीच द स्टेशन
कॉमा आएगा, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ठीक उस समय जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से ठीक उस समय चल दी जब वह स्टेशन पहुंचा ही था। अब इसका प्रयोग देखें, विशेष प्रयोग, ये तीनों सेंटेंस लगभग एक से है लेकिन अलग अलग बनाए गए हैं। किसी में तो हार्डली स्कैर्सली लगा है, तो किसी में लगा है एज सून एज, नो सूनर देन, किसी में लगा है जस्ट एज, लेकिन लगभग अर्थ एक सा है। अब अगला देखें, वुड रादर और देन, अपेक्षा अधिक, अपेक्षाकृत मैं इससे अधिक पसंद करता हूं, इस प्रकार के सेंटेंसेस में वुड रादर देन का प्रयोग होगा। पेन की अपेक्षा मैं इस पुस्तक को लेना अधिक पसंद करूंगा, आई वुड रादर हैव दिस बुक देन द पेन, मैं पेन की अपेक्षा मैं इस पुस्तक को लेना अधिक पसंद करूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं जरा ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूं, आई वुड रादर हैव दिस बुक देन द पेन, मैं इस पुस्तक को लूंगा पेन की अपेक्षा कर लेना पसंद करूंगा, इस पुस्तक को पेन की अपेक्षा कर। थैंक यू वेरी मच।